एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं स्पॉन्ज केक, वनीला स्पॉन्ज केक क्रिसमस स्पेशल। तो इसके लिए हम ओवन को गर्म होने के लिए रख देंगे। ये हमारा होम ओवन है, इसको हम पहले गर्म होने के लिए रख देंगे। जला दिया है हमने गैस। इसमें डाल देंगे बालू, यही बालू हम इस्तेमाल करते हैं बेकिंग में। आप चाहे तो इसके जगह नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बालू आ गया हमारे पास और इस पर रख देंगे एक स्टैंड। ये स्टैंड लग गया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म होने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं केक बनाना। ये हमारे पास केक टिन है, इसको हम पहले थोड़ा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसको ग्रीस करके इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे हम। थोड़ा सा मैदा को इस तरह से डस्ट कर लेंगे। चलिए, एक्स्ट्रा जो मैदा है इसको हम झार लेंगे। केक टिन हमारा तैयार है। तो चलिए, जब तक हमारा ओवन गर्म होता है तब तक हम केक का बैटर बना लेते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे बड़ा सा बॉल और इसमें ले लेंगे 1/4 कप तेल। उसमें डाल देंगे हम 1/2 कप चीनी। ये घर का ही चीनी है जिसको हमने पीस लिया है। ये एक 1/2 कप चीनी है, 1/2 कप चीनी को हमने पीस लिया है। इतना डाल देंगे, अगर चाहिए होगा तो हम और डाल लेंगे। चीनी और तेल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, चीनी और तेल को हमने अच्छे से मिला लिया है। ये ऐसा बैटर बन गया है। अब इसमें डाल देंगे हम, ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ 1/2 कप दूध है, इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे। धीरे धीरे हल्के हाथों से अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो देखिए, दूध हमारा, चीनी, दूध और तेल हमारा मिक्स हो चुका है। अब ये है हमारे पास सूजी, ये 1/4 कप सूजी है, इसको हमने दूध में भिगो के रखा हुआ था। ये कुल कितना हो गया है, अब इसको भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी भी हमारा अच्छे से मिल चुका है। अब ये हमारे पास मैदा है, ये 1 कप मैदा है, इसको हम धीरे धीरे में इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। धीरे धीरे मिलाते जाएंगे इसको। तो देखिए, बैटर हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे ये बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, ये बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून और डालेंगे इसमें हम वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून। और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर, बहुत थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा इसका। अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो चलिए, मिलाने के बाद मिलते हैं। तो देखिए, बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसको केक टिन में शिफ्ट कर लेंगे।
इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम अच्छे से टैप कर लेंगे, इसमें बबल्स नहीं रहना चाहिए। इसको हमने अच्छे से टैप कर लिया है, तो चलिए अब इसको हम अपने ओवन में रखते हैं। इसको हाथ से नहीं रखेंगे, इसको हम पकड़ से पकड़ के रखेंगे। ओवन हमारा गर्म हो चुका है, तो चलिए रखते हैं इसको, ध्यान से इसको रखेंगे। इसको हम पहले 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 5 मिनट पकाएंगे, इसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 30 मिनट पकाएंगे, इसके बाद हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं 30 मिनट बाद। करते हैं केक हमारा कहाँ तक बन करके तैयार हुआ। 40 मिनट में मैंने एक बार चेक किया था, तब ये बनकर तैयार नहीं हुआ था। अब 45 मिनट हो चुका है, हम जगह तैयार चेक करने के लिए ले लिए, ये टूथपिक ले लिया है हमने। आप चाहे तो किसी नाइफ से भी चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। वाह, देखिए गाइस, ये केक हमारा बन करके तैयार है। इसको फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए टूथपिक हमारा एकदम क्लीन आया है, इसका मतलब केक हमारा बन करके तैयार है। गैस को कर देते हैं बंद। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर, बहुत गर्म है तो हम इसको पक्कर से बाहर निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, केक हमारा बन करके तैयार है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। केक हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब हम इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। इसको साइड से थोड़ा ऐसे छुड़ा लेंगे। प्लेट में पलट लेंगे इसको, टैप करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा केक बन करके तैयार हुआ है, ये देखिए। चलिए अब हम आपको कट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए केक हमारा बन करके तैयार है, एकदम स्पंजी केक, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी केक की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।